गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कृष्णा देवनाथ एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको राजस्थान की उदयपुर सिटी का 3 टूरिज्म स्पॉट दिखाएंगे। पहला हमारा जो स्पॉट होगा वो होगा फतेह सागर लेक, दूसरा होगा अरावली वाटिका और तीसरा होगा जगदीश टेम्पल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उदयपुर की फतेह सागर लेक में आ चुके हैं, जो इसको नेहरू पार्क भी कहते हैं क्योंकि इसके बीच में नेहरू पार्क है। इसको बीच अगर आप जाएंगे तो 500 रुपये की टिकट है, बोट में आने जाने का टिकट 500 रुपये की है। और आपको बता दूं जी, ये फतेह सागर लेक है महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1680 में इसका निर्माण करवाया गया था और इसकी जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है। आप पूरे एरिया को आप वहाँ तक यहाँ से कवर करेंगे तो आपको 2.5 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मिल जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर सकते हैं, तो उसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके पीछे जो छोटी छोटी पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये एरिया फतेह सागर लेक में ही आता है। झीलों की नगरी उदयपुर इसको ऐसे ही नहीं कहते, झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह झील है। और ये पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ भी इसी फतेह सागर लेक का हिस्सा है। काफ़ी आम तौर पर यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। अगर संडे की बात करें तो काफ़ी भीड़ होती है और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। ये एक मेन टूरिज्म स्पॉट है उदयपुर का। आप उदयपुर में आइएगा तो इसको बिना घूमे आपका मन शांत नहीं होगा। आपको मन को शांति करने के लिए यहाँ पे आप ज़रूर आएंगे, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट यहाँ से अछूता नहीं है। मेरे पीछे देखिए ऊँट की सवारी, ये देखिए ऊँट की सवारी। यहाँ फतेह सागर लेक में आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं, ये देखिए ऊँट की सवारी, और बहुत सारे घोड़े की भी सवारी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अगर इसमें आप घूमना चाहते हैं तो 500 रुपये का आपको टिकट लेना पड़ेगा आना और जाना। तो इस तरह की बोट है जो हमारी तरफ आती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। ऊँट की सवारी के लिए आपको सिर्फ 200 पे करना है। 200 पे करने के बाद आप फतेह सागर की चारों चक्कर लगा सकते हैं। तो फतेह सागर लेक चारों चक्कर लगा सकते हैं। की सवारी का एक अलग ही मज़ा है और बोटिंग की सवारी का एक अलग ही मज़ा है। आप बोट में जाएंगे, पानी में जाएंगे, जो झीलों की नगरी उसका एंजॉय करेंगे और जो ऊँट है का भी एक लुत्फ़ उठाएंगे। घोड़ों के साथ आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, जैसे कि ये भाई साहब खिंचवा रहे हैं, ये फोटोग्राफर मेरे सामने ही है। तो अपनी फैमिली के साथ आइए और यहाँ पे घोड़ों की, ऊँटों की, नावों की सवारी करिए और अपने इस टूरिज्म प्लेस को एंजॉय करिए पूरी तरह से। तो राहुल खींच दियो, अरे उनके मोबाइल से खींचेंगे। ऊँटों की सवारी आप तो देख बता ही दिया था आपको पहले ही। तो ये भाई साहब है, आप फैमिली के साथ आइए, ऊँटों की सवारी कीजिए, एंजॉय कीजिए। आइए आप ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं अरावली वाटिका। अभी आ चुके हैं अरावली वाटिका उदयपुर नगर निगम के द्वारा। आइए चलते मेरे साथ अरावली वाटिका उदयपुर। उदयपुर नगर निगम द्वारा ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये वाटिका बनाया गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। काफ़ी खूबसूरत है ये, और इसके बगल में जो है ना रिंग रोड, एक मेन रोड देख सकते हैं आप, और ये पहाड़ी भी है बगल में। तो मैं राजस्थान उदयपुर नगर निगम को धन्यवाद करना चाहूँगा इस तरह की वाटिका को बनाने के लिए। 1965 में अरावली वाटिका को इनोग्रेट किया गया था, तब से लेकर अभी यहाँ पर सैलानियों की भीड़ रहती है। अरावली वाटिका में कृत्रिम झील है, ये देखिए मगरमच्छ कृत्रिम, ये चित्रकारी, ये मूर्तिकारी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और लोग यहाँ पे पारंपरिक परिधान में फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं।
ये देखिए, यह जो यहाँ के जो राजस्थानी पारंपरिक परिधान है, पोशाक है, उसमें लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए मूर्तिकारी। अरावली बटिका को हमने देख लिया है और आप चलते नेक्स्ट टूरिज्म प्लेस में उदयपुर। उदयपुर की जगदीश मंदिर में खड़े समय जो है ना, जगदीश मंदिर बिल्कुल ही बिल्कुल सिटी पैलेस के बिल्कुल करीबी है। अगर आप सिटी पैलेस आते हैं तो यहाँ मुश्किल से बस 50 मीटर की दूरी पे जगदीश मंदिर है। यहाँ पर अगर उदयपुर में आइएगा तो जगदीश मंदिर दर्शन जरूर करिएगा। ये भी एक पवित्र स्थान है, इस पवित्र स्थान का दर्शन जरूर कीजिएगा। जगदीश मंदिर अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं वीडियोग्राफी वगैरह अंदर दिखा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर जूते वगैरह उतार के फ़ोन वगैरह ले जा सकता हूँ, लेकिन जो है ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर। अब हम आगे वीडियो के अंतिम पड़ाव में। मित्रों मैं आपको बता दूं, मेरे आप चैनल पर जाइएगा तो राजस्थान उदयपुर की और भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। आप सिटी पैलेस, गुलाब बाग और सैलियों की बाड़ी की वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, तो उन वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिएगा, मेरी वीडियो में जाके मेरे चैनल पर जाके देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।